Hi, this is Ashish Best. And hi, I'm Natasha Singh. And you're watching us on Bollywood Spy. Hello and welcome to Bollywood Spy. This is Roshni and today we have with us Ashish Best and Natasha. Swagat hai aapka Bollywood Spy mein. Aapka bhi swagat hai hamare ghar pe. Thank you so much. So guys, aapka song wapas se release ho gaya hai. Bahut hi pyara song hai. काफी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है, मैंने कमेंट्स भी देखे, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और अभी हमने सॉन्ग देखा नहीं, पर हमने सॉन्ग देखा नहीं अभी क्योंकि अभी हम बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हैं तो बट हमने ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखने के बाद सुबह से दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि गाना कब रिलीज होगा तो लोग पागल हो रहे हैं पूरे तरीके से और वेट कर रहे हैं कि गाने का। दुनिया में तबाही मच चुकी है इस चीज से कि गाना कब रिलीज होगा, सब पूछ रहे हैं। नहीं लेकिन लेकिन हाँ लेकिन बट टू बी ऑनेस्ट मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि सुबह से लोग ना मुझे मैसेज कर रहे हैं कि गाना कब आएगा, मतलब ये पहली बार है कि कोई सामने से मैसेज कर रहा है कि कब रिलीज होगा। तो अभी फाइनली रिलीज हो गया है, वो लोग देख रहे होंगे, हम तो बात कर रहे हैं आपसे, हम आपसे बात करने के बाद देखेंगे। बिल्कुल, तो क्या लगता है आपको इस बार लोगों की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि देखो एक तो सिंगर बहुत अच्छी है उसकी वजह से और गाना टिप्स पे आ रहा है उसकी और वजह से और उसमें एक रियल लाइफ कपल है तो जो जो बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री है वो बहुत रियल होगी, तो उस वजह से भी लोग देखना चाह रहे हैं कि आखिर इन दोनों ने किया क्या होगा उस गाने में, कैसा क्या है। और जो गाने को ये गाना मिला, हाँ, और जो गाने की जो स्टोरी है वो तो मतलब अगर आप पूरा गाना देखोगे तो आप मतलब आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, अब रो पड़ोगे, सच में इमोशनल है। जी इनफैक्ट मैंने भी जब वो सॉन्ग देखा तो स्टार्टिंग में इतना अच्छा रोमांटिक था, हमें सिनेरियो देखने को मिलता है, स्टोरी लाइन इतनी प्यारी थी है, लेकिन एंड होते होते एकदम दिल टूट जाता है, तो ऐसे बिल्कुल आपका दिल टूट गया तो हम आपसे माफी मांगते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि मतलब जो गाने में दिखाया है वो जो बंदे की याददाश्त मतलब मैं बता तो वो चीज अलग है, लेकिन रियल लाइफ में हमेशा एक दूसरे का साथ रखें, साथ दें और कभी एक दूसरे को भूले ना, प्यार करे जिंदगी भर, मतलब आपको फिर वो बाद में समझ आता है जब आप उस इंसान को खो देते हो तो वो खोना कितना बुरा लगता है और आपकी मेमोरीज कितनी इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में, तो आई थिंक उस चीज पे ज्यादा फोकस करें और मेमोरीज बनाते रहे खूबसूरत, अच्छा टाइम स्पेंड करके दूसरे के साथ। बिल्कुल, सो अजीज कौर ने इस गाने को आवाज दी है और उनकी आवाज बहुत ही खूबसूरत है, हर बार की तरह इस बार भी वो अपने गानों में चार चांद लगा दी है, चार तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, कोलैबोरेशन कैसा रहा उनके साथ? मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी आवाज का और मैंने शुरू से बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं और काफी सॉन्ग ऐसे भी थे कि जो मैंने सुने थे मुझे पता नहीं था उन्होंने गाया है, पर बाद में जब पता लगा मेरे को, ओ अच्छा ये तो उन्होंने गाया है, ओ मतलब इतना अमेजिंग सॉन्ग। और जब मतलब फर्स्ट टाइम हमने सुना ना ये सॉन्ग तो उन्होंने कहा कि इनका सॉन्ग है, आशीष कौर का सॉन्ग है, तो मतलब हम दोनों का रिएक्शन यही था कि ये तो करना बनता ही है, मतलब ये तो पता नहीं कैसे फॉर्चुनेट थे हमें कि मिल गया ये सॉन्ग, पर लोग मतलब आजकल वेट करते हैं कि कब आशीष कौर की वीडियो में आएंगे, उनके सारे गाने इतने हिट हो रहे हैं और इतनी प्यारी आवाज है, गाने बहुत सारे आते हैं बट अच्छे सिंगर्स बहुत कम है, हाँ, जो अच्छे गाने गाते हैं, हाँ। तो ये एक तो एक्चुअली वो बल्कि मैंने भी उनको मैसेज किया कि मुझे आपकी वॉइस इतनी पसंद है एंड शी इज एक्चुअली वेरी स्वीट की वो रिप्लाई करती हैं, और मतलब वो फैन मोमेंट था मेरे लिए कि जब मैं उनको मैसेज के उनका रिप्लाई आया मैं तो मतलब हम दोनों के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके सॉन्ग में काम करके। बिल्कुल, और जिसके बैनर तले ये बना भी है गाना टिप्स, बैक टू बैक कई सारे गाने लेकर आ रहा है, अलग अलग एल्बम्स इंडिविजुअल कह लीजिए या फिर रिप्राइज पोर्शन में कह लीजिए, बैक टू बैक कई सारे गाने ले आ रहा है, और तो ऐसे में आपको भी फीचर किया गया है टिप्स के द्वारा, तो हाउ वाज दिस कोलैबोरेशन विद यू गाइस, मतलब टिप्स के साथ पहला आपका कोलैबोरेशन? थैंक्स टू टिप्स कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और टिप्स एक फैमिली की तरह शुरू से ही, और
टिप्स के जो सॉन्ग्स आप इवन आप पुराने सॉन्ग सुनोगे तो एक्चुअली वन ऑफ द इसने एक बेस्ट मूवी सॉन्ग्स। की थी जिसके सॉन्ग्स टिप्स ने रिलीज किए थे, तो ये वैसे उनको जानता है। तो मेरे उनसे अच्छे रिलेशन है, बट आप देखोगे इवन जो शुरू के गाने भी तो टिप्स ने हमेशा वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ही दिए इंडिया हाँ को, हाँ और उनके उनकी सॉन्ग्स की चॉइस हमेशा से बेस्ट रहती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप अगर टिप्स को लेकर गाना करना है तो आप बिना सुने हाँ बोल सकते हो कि गाना बेस्ट ही होगा। तो और लकीली ये गाना भी टिप्स के साथ है, आशीष कौर है, और टिप्स के चैनल पे यूट्यूब पे आने वाला है, तो आई एम श्योर उसकी देख रेख बहुत अच्छे से की होगी टिप्स ने। और टिप्स है तो सब कुछ बेस्ट ही है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले आप दोनों का एक और सॉन्ग आया था, मेरे सोने सोनिया, तो उसके बारे में भी काफी काफी एक्साइटमेंट रही फैंस के बीच, वो लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड और उसको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो उसके बारे में अगर बात करूं कंपैरेटिवली यहाँ तक, तो उसके बारे में कुछ बताइए उस उसके गाने के बारे बारे में में। उसके बारे में फिलहाल तो अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। फिलहाल अभी हम इस वाले गाने पर फोकस करते हैं क्योंकि ये गाना मेरा बेस्ट सॉन्ग है, और उस गाने के बारे में हम कभी और बात करेंगे। क्योंकि क्योंकि बिल्कुल ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो मैंने किया है, और ये मेरा अभी तक का बना था, मतलब मेरा सबसे जो बेस्ट सॉन्ग बोलूंगा ये है। हाँ, मतलब और मैं इस खुल के बता सकती हूँ ये मैंने गाना किया है, ये मैंने गाना हाँ किया सब कुछ, चाहे तो आप टिप्स ले लो, चाहे तो आप सिंगर ले लो, चाहे तो आप डायरेक्टर ले लो, डीओपी ले लो, शूट किस तरह से हुआ है और किस तरह से हमें कैसे मतलब फैमिली की तरह पैम्पर करके रखा था इन्होंने शूट के टाइम पे, हाँ, तो सब कुछ A1 था। मतलब कोई एक इतनी भी कमी नहीं निकाल सकते। इवन डायरेक्टर सर, डीओपी सर और बहुत अच्छे थे। मतलब शूट पे तो इतना मजा आया है कि हम ये सोच रहे हैं कि कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब दोबारा प्लान होगा, शूट करेंगे शूट कुमार करेंगे। सर और रमेश सर तो हमेशा से मतलब जिस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं वो कमाल का होता है, उससे बेस्ट नहीं है। अगर आप पूरे बॉलीवुड में देखोगे तो टिप्स का जो ट्रीटमेंट है शूट के टाइम पे और एक्टर्स के साथ बेस्ट है। खाना ही बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल होता होगा, आप कह रहे तो विल गो विद दैट। सो गाइस, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों रियल लाइफ कपल भी है, सो आशीष दिस वन इज फॉर यू, कि अगर यू वांट समथिंग कि जो नताशा के पास है वो आपके पास होना चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीज होगी? इसका इसकी बॉडी में जब हम वो नापते हैं ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नापते हैं जो ऑक्सीमीटर होता है, उसका मुझे 99 आता है, फिर 96 आता है। वो ऑक्सीमीटर में मेरा 99 आना चाहिए। You want that from her? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ इसकी स्माइल बहुत अच्छी है, जो काश मेरी भी वैसी होती, लड़कों में उतनी अच्छी होती। हाँ तो भाई मुझे से अच्छा लगता है। बोल सा, आपको ऐसी कौन सी चीज चाहिए जो आशीष के पास है, जो आपको लगता है आपके पास होनी चाहिए? इसका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बहुत कोकी है, बहुत विटी है, बहुत, मतलब कभी कभी मैं ऐसे सोच में चली जाती हूँ कि इसका क्या आंसर देना चाहिए। ये ऐसी चीजें बोल देता है कि मतलब हंसी आ जाती है, या ऐसे लगता है कि हाँ ये इस टाइम पे बेस्ट बोल गया इसने। तो आई थिंक इसका सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसा क्या? आशीष, आपको सबसे ज्यादा अनोइंग चीज क्या लगती है नताशा की? अनोइंग बस ये गलती ना ना देगा, आप अभी पूरा नहीं, बोलेगा प्रॉपर ये से। ना हर बात पे रूठ जाती है, हर बात पे। और फिर ना और मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोला होगा कि जिस बात पे रूठी है। फिर मैं सोचता, पूरे दिन सोचता रहता हूँ कि मैंने कब और क्या बोला होगा, और ना जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बिना मतलब की होता रूठी है होती होता है। है होता है, तो वो चीज ये मुझे ना ऐसे सही अक्सर कई सारे लड़कों की कहानी होती है, उन्हें है ना। पता ही नहीं हाँ होता गलती क्या होती है। और मुझे पता ही नहीं मेरी गलती क्या है भाई, मैं परेशान रहता हूँ उस चीज के लिए। फिर मैं सोच सोच के बोलता हूँ, बहुत सोच सोच के, कुछ भी एक वर्ड भी इधर उधर हुआ है ना तो ये पूरे दिन ऐसा रहेगी। ऐसा नहीं है, ये खुद गलतियां करता है, मुझे बोलता है फिर बाद में, तो ये एक अब मैं एक बात नहीं करती। मतलब बंदा अगर हमारी तारीफ है, जी जी बिल्कुल बोलिए। अगर एक बार बनाए तो ठीक है, बार बार पूरे दिन बनाते बनाते ही। जी आशीष, अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो सारे लड़के हैं जो इसी सिमिलर परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? मैं बस यही मनाते सलाह दूंगा रहो। कि नहीं, मनाओ मत, बिल्कुल अपने काम पे फोकस करो और काम करते रहो। तो कुछ भी जो भी होगा सुबह से शाम तक, जो भी कोई आपने गलत बात बोल दी होगी
वो खुद ही आके बोल देगी तुमने मुझे ऐसा बोला था, तो फिर उस टाइम पे ही उसका मैं नहीं हल बोलती, मैं कभी नहीं उसको बोलती उसको दिमाग में लेके घूमते रहोगे। ये खुद आता है क्यों मैंने ऐसे क्या किया, ये भड़क के आता है। नताशा आप भी बदला ले लीजिए, आपको ऐसी कौन सी सबसे अनोइंग चीज लगती है आशीष की? कुछ भी नहीं मुझे एक तो सोशल मीडिया पे इतना मतलब इतना घुस चुका है कि इसको जैसे ये फोन पे होता है, इसको कुछ भी बोले, अब सोचो मैं क्यों नाराज होती हूँ, ये इसको मैं कुछ भी बोलूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी कि ये कर देना और ये नहीं करते, और जब भी मैं इसको बोलती हूँ तो ये हाँ, ठीक है, ये चीज मुझे बहुत अनोइंग लगती है, इसलिए मैं नाराज होती हूँ, ये मेरा रीजन है। तो वो भी तो मेरी फैमिली है ना, जो वो लोग वहां पे जो कमेंट कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं, ये खुद तो वो फैमिली नहीं है मैं क्या? बताऊं तुम क्या करते हो फोन पे? पोकर। बताओ। लूडो खेलता हूँ लूडो। लूडो खेलता है। हाउ अनोइंग। क्या करें, अब छोटी हाँ छोटी बातों में लोग चिढ़ जाते हैं। जी, ऑलराइट। सो गाइस, दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू, सिंस आप दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे हैं एंड अभी जो करेंट सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज्यादा जज किया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको, चाहे वो कुछ भी पोस्ट करे या ना करे या कुछ भी सामने बातें डाले, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर? देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या होता है ना कि हर एक इंसान की सोचना बहुत अलग है, और आप ना हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते। जैसे किसी को पनीर खाना है और किसी को सैलेड खाना है, तो आप अगर पनीर दिखाओगे सोशल मीडिया में तो सैलेड वाला बोलेगा अरे यार ये क्या मतलब हो गया, पनीर दिखा दिया हमें तो सैलेड खाना था। तो वही चीज है कि सपोज अगर जैसे हमको फील होता है कि आज के टाइम पे लोग बहुत सैड भी हैं, लोग घर में अकेले हैं, और कभी अगर हम एक एक कॉमेडी एक फनी वीडियो डाल दें तो किसी का माइंड अच्छा हो सकता है, उसका दिन अच्छा हो सकता है, वो खुश हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बोलते सैड हैं, ही रहना चाहते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार ये क्या मतलब हुआ, ये टाइम पे आपको कॉमेडी वीडियो डालनी चाहिए, ये टाइम पे तो कम से कम अपना दिमाग यूज करो। तो मतलब समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि जो भी करें अच्छा ही करें। बट सॉरी उन लोगों से जिनको वो चीज गलत लगती है, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा लगता है, जो लोग ये कमेंट करते हैं कि हम सुबह से सैड थे पर आपका वीडियो देखा हमारा दिन अच्छा हो गया। तो दो तरह के लोग हैं, आप सबको खुश नहीं कर पाओगे, बट हम कोशिश करते हैं कि कि बैलेंस मिल जाए। बैलेंस मिल जाए। और अभी भी हम वही चीज ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश कर पाए अपनी वीडियो से। अब हमेशा ऐसा होगा कि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, तो वो तो हर जगह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आशीष एंड नताशा, सिंस आप दोनों बहुत ही टाइम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे सारे व्यूवर्स को कुछ टिप्स दें कि वो किस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आई थिंक कंसिस्टेंसी मेन की है, ये नहीं, कभी ये मत सोचो कि आज लाइक्स नहीं आए या आज मुझे गालियां पड़ रही हैं, आप ऐसा मत सोचो, आप सिर्फ अपनी मेहनत करो, कभी ना कभी तो फल पक्का मिलेगा। पर अच्छा कंटेंट लेके आओ और अलग कंटेंट लेके आओ। क्या होता है ना लोग ना जैसे बहुत सारे फेमस कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो बहुत फेमस है, बट उनके फेमस होने का रीजन मुझे कभी समझ नहीं आया। मुझे कभी आंसर नहीं मिल पाया कि वो किस तरह से फेमस हुए, बट ठीक है शायद से ऑडियंस को वो चीज़ पसंद है। बट जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग उसको देख के ग्रो करें, उनको एक अच्छा मैसेज मिले, बजाय इसके कि जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हो, मतलब एक ही भीड़ में भाग रहे हो, तो उससे आप ग्रो नहीं करोगे। आप सिर्फ उनको देखा देखी हर चीज कर रहे हो कि ये ट्रेंड चल रहा है तो ये कर लो, ये ट्रेंड चल रहा है तो ये कर लो। ठीक है ट्रेंड भी करो, बट कुछ ना कुछ क्रिएटिव और कुछ डिफरेंट करो जो लोगों को लगे कि हाँ यार ये उन सबसे अलग है, ये उस भीड़ में नहीं भाग रहा है ना। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। मैं चाहूंगी कि मेरे सारे व्यूवर्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका गाना प्यार दिया रहा उन्हें कैसा लगा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई। Thank you so थैंक यू much सो for मच। having us थैंक यू। here.